नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टर। मेनली टू ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं किसी भी रेसिस्टर्स के, एक इन सीरीज एंड दूसरा इन पैरेलल। इंक्रीज ऑफ टोटल रेसिस्टेंस, अगर हमें टोटल रेसिस्टेंस क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो ऑलवेज हमें उसको सीरीज में लेना होगा, जस्ट लाइक दैट, 1R1 R2 सीरीज में। और हमें डिक्रीज करना है अगर रेसिस्टेंस, तो हम ऑलवेज पैरेलल लेंगे, जस्ट लाइक दैट, R1 and R2, दैट इज द सीरीज एंड दैट इज द पैरेलल। अब हम पहले बात करेंगे इन सीरीज रेसिस्टेंस या रेसिस्टर इन सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए। रेसिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज आर ज्वाइंट टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, देन ईच रेसिस्टेंस हैज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। उन्होंने कहा, ये देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, एक रेसिस्टर ये है, एक रेसिस्टर ये है, ये बैटरी के अलग अलग टर्मिनल से क्या है जुड़े हुए हैं, ये वाला पॉजिटिव से और ये वाला नेगेटिव से। साथ में उन्होंने कहा है, देन ईच रेसिस्टर हैज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, इस पर यहां पर कुछ और है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर इसका कुछ और है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर ये R1 है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, डिफरेंट होगा। इसका R2 है तो इसका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, V2 होगा। बट लेकिन जब क्या होगा, वोल्टेज बनती है तो वो दोनों का सम, इसका एंड इसका सम, वो दोनों में इक्वल होगा। देखिए, बट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। लेकिन अगर सीरीज में प्रेजेंट है तो उनका टोटल सम जो होगा वो दोनों में इक्वल होगा। देन द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेसिस्टर, करंट देखो इसमें भी उतना ही फ्लो करेगा, इसमें भी उतना फ्लो करेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें अलग करेगा इसमें अलग करेगा। इट मीन्स अगर R1 है तो उसकी वोल्टेज, सॉरी उसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, R2 है तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगी, और I मैंने आपको बताया दोनों में इक्वल, मतलब करंट क्या है दोनों में ही इक्वल प्रेजेंट है, ठीक है। और पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इसको और इसको प्लस करेंगे तभी आएगा आपका, ठीक है। और ओम का लॉ क्या था, V इज इक्वल टू IR, तो V1 पहले एक का देख लेते हैं, एक रेसिस्टर का V1 इज इक्वल टू I क्योंकि इक्वल है दोनों में R1, V2 इज इक्वल टू I इक्वल है करंट R2। आपको क्या करना है, इसमें सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि हमने कहा V1 प्लस V2 ठीक है किसके इक्वल है, V के इक्वल है, तो V की जगह हम क्या ले सकते हैं, IR ले सकते हैं, तो हमने IR ले लिया। इज इक्वल टू V1 कितना है, I इंटू आर वन, V2 कितना है, I इंटू आर टू प्लस I इंटू आर टू, सारे I एक दूसरे से कट जाएंगे, तो बचा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इट मीन्स अगर किसी भी रेसिस्टेंट को अगर आपको चेक करना है जो कि सीरीज में है, तो आप क्या फॉर्मूला इनपुट करेंगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर आपको इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से लिया। देखिए हमारा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर ले लो या आई आर लीजिए, ठीक है। V किसके इक्वल है, V1 प्लस V2, तो ये V1 है ये V2 है, तो V की जगह हम क्या ले सकते हैं, IR ले सकते हैं, इसलिए हमने IR लिया, क्योंकि V किसके, V1 की वैल्यू इसमें, हमें इसमें पुट करनी है इनकी वैल्यू, आप ही देखिए इसमें पुट करनी है, ऐसे देखिए इक्वेशन इसमें पुट करनी है, V किसके इक्वल है, IR के, ठीक है। V1 कितना है, I इंटू आर वन प्लस V2 कितना है, I इंटू आर टू। तो देखिए ये वाली इक्वेशन आ गई आपकी, तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन में हमें इन सब की वैल्यू को पुट करना है, तो आपका निकल जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इस तरह से सीरीज में जो हमारे रेसिस्टेंस लगे हैं उन्हें आप आपस में प्लस कर लें, तो आपको टोटल रेसिस्टेंस जो मिलेगा वो ऑलवेज इंक्रीज होगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया है इंक्रीज ऑफ टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज, तो आप इन्हें आपस में प्लस कर लेंगे तो इनकी रेसिस्टेंस क्या होगी, ऑलवेज ज्यादा होगी। थैंक यू एवरीवन।